सत्ता पलट में सबसे पहले अपना इस्तीफा देने वाले सुवासरा से पूर्व कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग इन दोनों राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। हरदीप सिंह डंग से खास बातचीत की है संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और महज 15 महीनों में चली गई और इसका कारण माना गया कांग्रेस की गुटबाजी को। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अभी हम जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं वो कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण गुट में शामिल नहीं है। बावजूद इसके सरकार जो गई है उसकी नींव में यही है। जी हाँ, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग हमारे साथ हैं, सीधे डंग साहब से बात करेंगे। डंग साहब, कांग्रेस बमुश्किल सरकार बना पाई 15 साल बाद और बड़े बेआबरू होकर निकल गई, तो क्या कहेंगे? सही बात है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो सरकार बनी थी उसमें कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जो काम 15 महीने में जनता के हित में जो करने थे अपन अपने स्वार्थ तक वो सरकार रखी। और विधायक तो सही, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मतलब समस्त जिलों के जो नेता, जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के नेता, वो जान चुके थे कि यहाँ पर जो काम, जो सिस्टम चल रहा है वो कार्यकर्ताओं के, नेताओं के सम्मान से नहीं अपितु दलालों के माध्यम से सरकार जो चल रही थी इससे नाराजगी ज्यादा थी। जो माहौल आप देखते थे, जाहिर सी बात है 15 साल बाद सरकार बनी, सब में उत्साह था जब सरकार बनी, उसके बाद जो आपने माहौल देखा और अब जब सरकार नहीं है तो कहीं कुछ दुख, अफसोस या मलाल होता है आपको? नहीं, मलाल या दुख तब होता कि जब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की, जिनकी मेहनत से सरकार बनी थी उन कार्यकर्ताओं की अगर चलती और उनका मान सम्मान होता तो शायद ये दुख होता कि सरकार चली गई। हरदीप जी, आप किसी गुट में नहीं हैं, लेकिन आपने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, आपको ऐसा उस समय महसूस हुआ था कि आपका इस्तीफा आगे चल के तख्ता पलट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, जो नाराजगी पूर्व में हम जब विधायक मिलते थे, जब एक दूसरे से चर्चा करते थे, तो ज्यादातर विधायकों के मन में यही आता था कि यार हम मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री जी का इतना चक्कर काटते हैं, लगातार क्षेत्र की जनता हमें आवेदन देती है, और जो कार्यकर्ता अगर ये मानता है कि आज हमारी सरकार है, हमारे रिश्तेदार और अपने वालों का काम होगा, अपने दोस्तों का, मित्रों का काम होगा, वो आवेदन जो हमें क्षेत्र में जनता देती थी, वो आवेदन लेकर यहाँ पर मंत्री और मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जब आते थे, तो जो मेरे साथ के विधायक मंत्री बन चुके थे वो भी आधा आधा घंटा बाहर बैठ के इंतजार कराने के बाद जब उनके चेंबर में आते थे और उनसे कहते थे कि भाई हमारा लेटर पेड जो देके गए थे क्या हुआ, तो उनके लेटर और उनकी नोटशीट लगातार ऐसी कैसी जहां पड़ी थी 15 दिन पहले, महीने पहले, वो वहीं पड़ी रहती थी और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी थी वो लगातार आने के बाद भी नहीं होती थी। जब हम क्षेत्र में जाते थे तो जनता और कार्यकर्ता पूछते थे कि हमारे उस काम का क्या हुआ, तो वो जवाब देने में हम असमर्थ थे। चलिए अब नई बात कर लेते हैं, नई सरकार बन गई है, अब आप भी कांग्रेस के, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हो गए हैं, तो अब शिवराज सरकार से, बीजेपी की सरकार से आप कितनी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका मूल में आपके क्षेत्र का विकास ही छुपा हुआ है? नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछी है, क्योंकि सबसे जनप्रतिनिधि का प्रथम लक्ष्य होता है कि क्षेत्र का विकास हो। मैं 5 साल पहले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ विधायक के रूप में, विपक्ष के विधायक के रूप में मैंने काम करा है, और अभी 15 महीने जो सत्ता पक्ष के इसमें काम करा है, तो मुझे मूल अंतर जो नजर आया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के होने के बाद भी अगर मैं, हमारे जो चंबल मैया निकलती है उसमें 1650 करोड़ की सिंचाई योजना अगर शिवराज सिंह जी चौहान मेरे को दे देते हैं, सुवासरा शामगढ़ कॉलेज की स्वीकृति दे देते हैं, सीतामऊ शामगढ़ सुवासरा सीतामऊ में कॉलेज की बिल्डिंगें दे देते हैं, डैम झांगरिया काकर सेमली नकेड़िया बांकली कोसला बहादुर ऐसे कई डैम मेरे को दे देते हैं, सड़कें जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो देते हैं, और कुल मिला के जो मांगा, चाहे वो स्कूल यूनियन का मामला हो, स्कूलों की बिल्डिंग हो, खेल मैदान जो अभी कैंपुर में उसका निर्माणाधीन है वो हो, ऐसे कई काम जो लगातार जो मांगे वो दिए। 15 महीने में जिस चीज को मैं लगातार यहाँ पर मांग कर रहा था कि भाई यहाँ पर हमें सेदरा करनाली है, खंडेरिया मारू है, ऐसे डैम जो हमारे लगातार बहुत आवश्यक हैं वो देने को
तैयार नहीं थे। सिंचाई योजना कैंपुर सीतामू सिंचाई योजना मैं लगातार मांग कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रभारी मंत्री जल संसाधन मंत्री हुकम सिंह कराड़ा जी होने के बाद भी अगर मंदसौर जिले को एक भी सिंचाई योजना नहीं मिल रही थी तो इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं थी। अब आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है। अब चूंकि आप बीजेपी में आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनसे भी मुलाकात हुई, और खबर पीछे से ये भी चल रही है कि हरदीप सिंह डंग मंत्री बनने जा रहे हैं। अगर हरदीप सिंह डंग मंत्री बनते हैं तो कितना क्षेत्र की जनता को लाभ होगा? ये मंत्री हरदीप सिंह डंग मंत्री बने ये आवश्यक नहीं है कि हरदीप खुद के लिए मंत्री बन रहा है। ये जो मंत्री पद मिलते हैं ये क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की और विकास के लिए एक आशा की किरण होते हैं। और जब 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्योंकि पहले संभाग में इकलौता, अभी संसदीय क्षेत्र में इकलौता, अगर वहां पर पहले प्रतिनिधित्व मिल जाता तो हो सकता था कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी मजबूत होती, कार्यकर्ता मजबूत होते, क्षेत्र का विकास होता। तो आज उन्होंने उस बात का ध्यान ना रखा, ये नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में थी। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था तो 3 चुनाव में एक भी नेता नहीं आया, 2 चुनाव में जीता, जिला कांग्रेस में एक भी नेता माला पहनाने या स्वागत करने नहीं आया। फिर करोड़पति और बड़े नेताओं के रिश्तेदार जब मंत्री बन गए तो उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व जो मिलना था, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार में अगर प्रतिनिधित्व मिलता तो कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत होते, वो क्षेत्र मजबूत होता, वो क्षेत्र विकास के रास्ते पे जाता। पर ये कहीं ना कहीं गुटबाजी के भेंट चढ़ा। और मैं मानता हूं कि जब भी क्षेत्र को, चाहे वो मुझे मंत्री पद मिले या अन्य किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वरिष्ठ नेताओं को पद मिले, तो क्षेत्र का विकास होगा और विकास के रास्ते पे तेजी से बढ़ेगा। ये सवाल यहाँ उठ रहा है डंग साहब की, सुवासरा की जनता और हमारे दर्शक और प्रदेश की जनता सभी जानना चाहते हैं, क्या हरदीप सिंह डंग को कुछ ग्रीन सिग्नल मिला मंत्री बनने का? नहीं, ये ऐसा कोई अभी तक तो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, पर कहीं ना कहीं विश्वास है कि क्षेत्र को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। अब ये तो सब हरे हरे की बात होगी डंग साहब, ये भी बड़ा माना जा रहा है, कांग्रेस भी बहुत आश्वस्त है कि बड़ा धोखा किया गया है, विभीषण पैदा हो गए, गद्दार निकल गए, और उपचुनाव जो होंगे 24 उनमें कांग्रेस जो है विजय हासिल करके फिर से अगली 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे। आपको क्या लगता है? जो सरकार थी उसको तो संभाल नहीं पाए, जो आपके विधायक थे, जो आपसे निवेदन कर रहे थे, आवेदन दे रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि भाई हमारे साथ ये है, तो आप अब जाकर कौन सी सरकार बना लेंगे? जो थे उनको तो संभाल नहीं पाया। नहीं, आपने खुद कार्यकर्ताओं की बात करी, और अब हरदीप सिंह वापस उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे, लेकिन इस बार झंडा बदल जाएगा, साथ ही आपके कांग्रेसी मित्र भी हैं, फिर जो बीजेपी में तो आप शामिल हो गए तो बीजेपी कार्यकर्ता आपके साथ ही हैं, तो कैसा लगेगा आपको मैदान में उतर के, और किस तरीके से आप जनता को जवाब देंगे? ये सही बात है, क्योंकि बीजेपी, बीजेपी का परिवार का मैं सदस्य हूँ, और बीजेपी में एक संगठन की जो ताकत है, जो सिस्टम है, मैंने जो जाना है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी संगठन में एक सदस्य बना हूं। और वर्तमान के दौर में जो देश को एक नए रास्ते पर जो हमारे मोदी जी ले जा रहे हैं, शिवराज सिंह जी चौहान ले जा रहे हैं, जो मुझे विश्वास है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां की क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। अब आपको क्या लगता है उपचुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी जीतेगी, और सरकार किसकी आगे चलेगी, और कांग्रेस अगले चुनाव में कितना क्या सर्वाइव कर पाएगी? मेरे को तो मानना है कि 24 की 24 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी, और जो माहौल पूरे देश में जो मोदी जी ने अभी कोरोना में जिस सिस्टम से अपना काम करा है, जो आगाज उन्होंने करा है, और पूरी दुनिया में मोदी जी की ताकत देखने को जो मिली है, एक गांव का कार्यकर्ता भी मोदी जी को अच्छी तरह जानता है, शिवराज सिंह जी चौहान जो किसान, एक जो पालक के रूप में जाने जाते हैं किसानों के, उनको भी अच्छी तरह जानता है, और जो व्यक्तिगत जो टीम है बीजेपी की जो काम करती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में मतलब जो कांग्रेस सरकार गई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाले 15-20 सालों तक राज करेगी। मतलब कांग्रेस का फिर से 15-20 साल का वनवास? बिल्कुल, वो कहा ना कि कांग्रेस मुक्त, तो मेरा मानना है कि जब तक जो संगठन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान इज्जत नहीं करता है, वो संगठन ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि
पार्टी अपनी अलग चीज है, पर कुछ व्यक्तियों ने, कुछ कांग्रेस के बड़े लीडरों ने इसको व्यक्तिगत अपनी संस्था मान ली थी और व्यक्तिगत मानते हुए जो इसका सत्यानाश करा है, और वो अपने अपना कि मेरा भला, मेरे परिवार का भला, मेरे व्यक्तियों का भला, उनको पार्टी से कोई लेना देना था नहीं लेना देना था, इस कारण इस पार्टी का कमजोर पड़ी और गर्त में गई। तो ये थे जमीन से जुड़े कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब बीजेपी के नेता हरदीप सिंह डंग, जिनकी ये जमीनी बातें थी। कैमरामैन आनंद सुजाने के साथ निर्मल सिंह बैस। और अखबारों से पूरी से जहां पर